कोरोना की बंदिशों से हिमाचल सरकार ने पाबंदियां क्या हटाई, प्रदेश में पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार हो गए। आलम यह है कि प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा पर्यटन क्षेत्र धर्मशाला पर्यटकों से इस तरह खचाखच भरा है कि अब होटल्स में भी कमरे ढूंढने से नहीं मिल रहे हैं। आलम यह है कि ऑनलाइन बुकिंग हो या फिर ऑफलाइन कमरे नहीं मिल रहे हैं। हालांकि अभी ऐसा नहीं है कि ऐसी स्थिति समूचे सप्ताह भर रहती है, बल्कि ये केवल वीकेंड पर ही देखने को मिल रहा है। होटल्स में 100% बुकिंग वीकेंड के लिए हो रही है। ग्लोबल सिटी मकलोडगंज में पर्यटकों के अचानक से बाढ़ आ चुकी है। स्थिति यह है कि मकलोडगंज तक पहुंचने के लिए पर्यटकों को जाम की भयानक स्थिति से भी गुजरना पड़ रहा है। मिनटों का सफर घंटों में करना पड़ रहा है, फिर भी पर्यटक बेहद खुश हैं। दरअसल कोविड के चलते बीते 1.5 साल से मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग मानसिक और शारीरिक रूप से इस कदर थक चुके हैं कि वो जीने के लिए सुकून पहाड़ों को देखकर ही अपनी लालसा पूरी कर रहे हैं। बावजूद इसके हिमाचल में सरकार की ओर से कोविड काल को मद्देनजर रखते हुए पर्यटकों की आवाजाही पर पाबंदी लगाए रखी थी, और जब कोविड की दूसरी लहर जैसे ही थमी और सरकार ने पाबंदियां हटाई हैं, तो अब टूरिस्टों का ट्रैफिक पहाड़ों में जाम की स्थिति पैदा कर रहा है। मैदानी इलाकों में इन दिन पड़ रही गर्मी से लोगों का जीना भी दूभर हो चुका है। यही वजह है कि अब लोग पहाड़ों में आकर यहाँ के नदी नालों में जाकर सुकून ढूंढ रहे हैं। धर्मशाला का मशहूर भागसू वाटरफॉल इन दिनों पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। यहाँ वाटरफॉल से लेकर समूचे नाले में पर्यटक जान हथेली पर लेकर नहा रहे हैं। हैरत तो ये है कि पर्यटकों के चेहरे पर कोरोना का खौफ लंच मात्र भी देखने को नहीं मिल रहा है। धड़ल्ले से बिना मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एवं एक साथ जमघट लगाकर होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर करते लोगों को देखा जा रहा है। साथ ही नदी नालों में सैकड़ों की संख्या में लोग नहाते नजर भी आ रहे हैं। जबकि WHO की माने तो अभी तक कोरोना की तीसरी लहर का खतरा दुनिया में मंडरा रहा है। ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਜੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਆ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਹਮ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਸੀ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਹੀ ਲੁਧਿਆਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 45+ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਲਾਈਟ ਕੱਟ ਆਊਟ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਲਈ ਰਿਲੀਫ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵੀਕਐਂਡ ਮਨਾ ਲਈ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਕਾਫੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਆ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਸ ਨਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਰੱਖੀਏ। लेकिन हर कदम की अपनी मेंटेलिटी है, जो भी सोचे, लेकिन अपन देखो सही रहना चाहिए। और इतने काफ़ी बहुत और काफ़ी लोग आए थे, रश बहुत है, जो इंजॉय होएगा। और पूछ लेते हैं, वर्ष कुन्या, यामिनी जी क्या कहना चाहोगे, कितने दिन के लिए आए थे और धर्मशाला में आकर कैसा लगा? मैं यहाँ पे 5 डेज के लिए आई हूँ और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, और यहाँ का जो लाइक माहौल है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और सारे रिस्ट्रिक्शंस को भी फॉलो किया जा रहा है, लाइक मास्क एंड ऑल, इट इज रियली गुड। आर यू अवेयर फॉर थर्ड वेव ऑफ कोरोना? यस यस। सो किस तरह की प्रिकॉशंस आप ले रही हैं? लाइक सारी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं सेफ्टी के लिए, और सैनिटाइजर लेके घूम रहे हैं, सब कुछ अच्छे अच्छा लग रहा है। जी आज आप अकेले आए हैं या फिर परिवार? सोलो ट्रैवल। अच्छा, और भी आए हैं? नहीं, अकेले आई हूँ। अकेले ही आए? हाँ। अच्छा, तो घूमने के लिए आए हैं या कुछ? घूमने के लिए आई हूँ, मुझे वर्क फ्रॉम होम मिला है, तो मैंने सोचा अभी थोड़ा फॉरेस्ट चेंज आके ना वर्क फ्रॉम हिल। ठीक है, तो अभी धर्मशाला कब आए थे आप? मैं ना संडे को। संडे को आए थे, तो अभी कितने दिन रहने का मूड है आपके यहाँ? एक महीना। एक महीना यहीं रहोगे? अच्छा, यहीं से आप कामकाज भी करोगे? सर, तो यही धर्मशाला को ही क्यों चुना आपने? मुझे अच्छी प्लेस लगती है, रिलीजियस है, प्लस थोड़ा यंगस्टर्स भी बहुत है, और हमारे जैसे IT वाले लोग भी बहुत हैं यहाँ पर, तो अच्छा वाइब है, सब कुछ अच्छा लगता है पहाड़ों पे, तो ऑब्वियसली आपका और मतलब सब कुछ अच्छा ही लगता, पॉजिटिव लगता है इसके लिए। पॉजिटिव लगता है। अभी कैसे देख रही हैं आप, क्योंकि लग रहा है कि रश बहुत ज़्यादा है यहाँ पे? यहाँ बहुत ज़्यादा रश है, इसके लिए मैं धर्मकोट में ठहरी हूँ, यहाँ पर नहीं रुकी हूँ, तो काफ़ी बेटर है। कैसा एनवायरनमेंट, कैसा है यहाँ का? मुझे तो बहुत पसंद है, मतलब मुझे पहाड़ शुरू से ही पसंद है, इसके लिए मुझे प्लेस काफ़ी पसंद है, और अभी तो खैर काफ़ी चहल पहल भी है, तो अच्छा ही लग रहा है। ठीक है। आराधना, मेरा नाम स्वाति है, हम लोग दिल्ली से आए हैं। एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा है, वेदर भी अच्छा है, ठीक है। थोड़ा यहाँ आके ना वाटरफॉल के एरिया में यहाँ थोड़ा क्राउड है, अदरवाइज तो यहाँ का मौसम अच्छा है और इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, आप कब आए थे और कितने दिन का टूर बना के आए हैं यहाँ? हम लोग यहाँ कल आए थे, तो 2 डेज़।
2 days का, 2 nights 3 days का, हाँ। अभी कितना घूमे हो और अभी क्या लगता है आपको अभी और कहीं? अभी अभी हम लोग दल लेक जाके आए हैं, अभी आगे और टेंपल और वो सब कवर करना है, तो वहाँ जाके। तो जैसी सोच लेके आए थे बिल्कुल उसके मनमाफिक है या फिर लगता है कि नहीं वो मजा नहीं आ रहा, वो वाला वो चीज़ नहीं हो रही? नहीं, वैसे तो हो रहा है पर थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, जितना टाइम हम लोगों ने किया था मैनेज करने के लिए उतने में नहीं हो रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है एक चीज़। कुछ सुझाव देना चाहेंगे यहाँ के लिए? सुझाव बस थोड़ा पार्किंग और रूट थोड़े अगर बड़े हों तो ज़्यादा लोग आ सकते हैं। ਅਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੋਰ ਹੈ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਸਿਮਰਨ। ਅਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਮਕਰੋਲਗੰਜ। ਤੋ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਦ ਆਏ ਸੀ ਭਾਅ ਜੀ ਉਦੋਂ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸਾ ਸੀਗੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ? ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੁਣ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5-6 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਟਲ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ